नाज़िम बेग, सभी दर्शकों का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम चौक चौराहे कार्यक्रम के बाद एक लिंक रोड पर आए हैं जो जहांगीराबाद को जोड़ता है। ये वो लिंक रोड है जो राजधानी दिल्ली और जनपद बुलंदशहर से जो आगमन नगर में करेगा उसे इस लिंक रोड से आज ज़रूर जाना होगा। आज हम उस रोड पर आए हैं और जनता की राय जानना चाह रहे हैं कि चेयरमैन कैसा हो, नगर का चेयरमैन, जनता, यहाँ की जनता क्या कह रही है उस चेयरमैन के बारे में, क्या अपने मुद्दे बता रही है, वो हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोग देखें और जाने भी। अच्छा, हम उन संभावित प्रत्याशियों से भी एक आग्रह कर रहे हैं, लिंक रोड में वो हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक ऐसी एंट्री हो जो जहांगीराबाद में वास्तव में एक ऐसा लगे कि हम जहांगीराबाद में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी एंट्री की मांग कर रहे हैं वो। तो इसीलिए आज हमारा कार्यक्रम था ये लिंक रोड को लेकर कि हम उसे जनता के बीच लेके जाएं, उन प्रत्याशियों के समक्ष बीच लेके जाएं, जिससे कि जो हमारा लिंक रोड है उसमें भव्य सौंदर्य बनाया जाए। ये केवल वो बनाएगा जो आने वाला चेयरमैन होगा। तो हम चाहते हैं उन संभावित प्रत्याशियों से कि वो इस लिंक रोड को अपने मैनिफेस्टो में ज़रूर रखें। तो आइए चलते हैं इसी कार्यक्रम को, जनता की राय को लेकर जनता के बीच। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, युवा फैक्टर हैं आप, युवा बड़ी महत्व रखता है अपनी बोर्ड की, कैसा चेयरमैन चाहते हैं इस बार आप नगर में? हम इस बार नगर में ऐसा चेयरमैन चाहते हैं जो पब्लिक का विकास करे और पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और व्यापारियों के हित की बातें रखे और व्यापारियों को समझे और व्यापारियों को जाने और व्यापारियों पर कभी आँच नहीं आने दे और विकास के मुद्दे का सर्वप्रथम हम जहांगीराबाद के लिए नगर का विकास चाहते हैं, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप इस बार? ये जो बढ़िया होगा वह करवाओ। अच्छा, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं? हाँ, जो नगर का विकास करा से, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं? हमारे तो मेहमान साहब ने भतेवे करा दिए। अच्छा अच्छा, हाँ जो बात सही है हम सही बता रहे हैं। चेयरमैन से आज तक कोई काम ही नहीं, बढ़िया चेयरमैन। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? जो बढ़िया हो वहाँ कर दो, जिसमें दे देंगे। अच्छा, नगर की ऐसी जुड़ी हुई जो जिसमें आप चाहते हैं कैसा चेयरमैन, और जो काम बढ़िया करेगा वही आ जाए, हम पे होगा, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं, ऐसा होगा। हमारे के माँ के मंदिर पथवारी आश्रम में आना हुआ है और यहाँ हमें एक दो युवा मिले हैं, पूछते हैं कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप नगर में इस बार, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? सर, हम ऐसा चेयरमैन चाहते हैं जो हमारी समस्याओं को सुने और हमारे लिए हमेशा हमारे सहयोगी बनके हमारे साथ रहे, विकास कार्यों में ज्यादा से ज्यादा विकास हो हमारे वार्ड के अंदर। आपके 5 सालों के अंदर हमारे वार्ड के अंदर कुछ भी विकास नहीं हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये आश्रम है और इस आश्रम के अंदर इतनी गंदी व्यवस्था हुई पड़ी है, नाले गंदगी, तालाब का पानी मंदिर आश्रम के अंदर भर जाता है, मंदिर डूब जाते हैं और गलियां जो है वो बैठी पड़ी हैं, मतलब कि गलियों में गड्ढे हुए पड़े हैं और टंकियों के जैसे कि पाइपलाइन बिछी है, सारी की सारी गलियां बाढ़ के अंदर बेकार हुई पड़ी हैं, कहीं लीक हो रही पानी की टंकी और कहीं भी कोई भी ना ही मेंबर उस चीज को सुनिश्चित करता है और ना ही कोई विकास हुआ है। आपके 5 सालों के अंदर मोहल्ला के अंदर ज्यादा ही स्थिति गंभीर हुई हुई जिससे कि हमें भी समस्या। अब आपके लिए वो मौका आ चुका है, बोर्ड का दायित्व देने का मौका आ चुका है, तो क्या चाहते हैं आप, कैसा चाहते हैं चेयरमैन, कैसा चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि ऐसा चेयरमैन हो जो हमेशा हमारे कंधे से कंधे मिला के चले और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हमारे मोहल्ला के अंदर और जहांगीराबाद नगर के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ऐसा चेयरमैन। हाँ, हमें ऐसा चेयरमैन साथी चाहिए और जिसमें कि उम्मीद है कि हमारे अभी जो भावी प्रत्याशी हैं जो चेयरमैन की भागदौड़ कर रहे हैं, इनमें से कोई आपको रिझा रहा है? जो भावी प्रत्याशियों के बोर्ड लगे हुए हैं जी, जी। आपके पास आ जा भी रहे हैं, उनमें से कोई आपको प्रत्याशी रिझा रहा है? ज्यादा से ज्यादा जैसे कि मैं देख हम लोग देख रहे हैं अजीत हिमाचल सिंह जिन्हें लटूर भैया नाम से लोग जानते हैं नगर के अंदर और वो ज्यादा से ज्यादा इस विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, कार्य इतना कर्म कार्यशील शैली जो है उनकी इतनी प्रगति पर है और उम्मीद है ईश्वर जो होगा वो तो ईश्वर की कृपा के सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। हाँ, हमें
नगर पालिका चेयरमैनी चुनाव हो चुका है शुरू और आप सीनियर वोटर हैं, कई बार आपने चेयरमैनी की वोट दी, एक बार फिर नंबर आया है वोट देने का, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप नगर में? बड़े चाहते हैं गरीब आदमी जनता की प्रति काम करें, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। नगर पालिका चेयरमैनी चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप इस बार नगर में? जो नगर का विकास कर सके, नगर को सुचारू रूप से सब सभी सुविधाएं दे सके, ऐसी सुविधाएं जो जनमानस को बहुत अत्यंत लाभ पहुंचा सके, जिनसे जनहित। और सबसे बड़ी बात मैं ये करूँगा कि जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है वो चीज़ उस चेयरमैन को सोचनी चाहिए। जैसे आजकल रोग चल रहे हैं, रोज रोगों का हम कहाँ से ला रहे हैं, रोगों को कहाँ से हम रोग पाल रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है मच्छर पैदा हो रहा है। मच्छर के लिए ऐसी दवाइयाँ व्यवस्थित करी जाए, ऐसी साफ सफाई हो कि जो मच्छर ना हो, मच्छर ना आए, तो ऐसा चेयरमैन हो और इस समाज को कायाकल्प कर दे, ऐसा हमें चेयरमैन चाहिए। ऐसा चेयरमैन चाहिए, ऐसा जो इस समाज को बिल्कुल दुरुस्त कर दे, इसी बात। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप इसका? नगर का स्वास्थ्य, नगर के विकास को विचार करें, जो अच्छा आदमी हो उसको वोट देंगे, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं? ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप इस बार? जो नगर में विकास करा सके, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं? ऐसा चेयरमैन चाहते हैं जो नगर में विकास करा। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, युवा फैक्टर है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप नगर में? जो नगर में विकास करा सके, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। ठीक ठीक, ऐसे ही एक सीनियर वोटर और हमें मिले हैं। काफी बार आपने वोट का प्रयोग करा है, एक बार फिर वोट का प्रयोग करने का वक्त आया है, और कैसे चेयरमैन चाहते हैं इस बार आप नगर में? चेयरमैन ऐसे ही चाहते हैं कि शहर का विकास हो, जैसे जगह जगह हर मेले में पानी भर जाता है, ये पानी भरने की शिकायत खत्म हो और चयन अमन रखे और जो है सही काम कराए, जो है ऐसा चेयरमैन चाहिए, ऐसा चेयरमैन चाहिए जैसे नीरज पाठक जी, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? युवा फैक्टर हैं, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन हमें ऐसा चाहिए तो जो जो दमदार हो, जो नगर में विकास करा सके, जो बारिश के टाइम पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है, तो इस पढ़ा लिखा बिल्कुल चेयरमैन होना चाहिए, जिसको हाँ जी समझदारी का बात होगा, सब हाँ जी हाँ पानी भर रहा है, इसका इसको समाधान कराया जाए उसके लिए, ऐसा चेयरमैन। नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? चेयरमैन जो ये है कि हमारे हमारा शहर का विकास करे, अच्छे काम करे, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। गरीबों की मदद करे, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, आप युवा फैक्टर हैं, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप इस बार? जो नगर का विकास कर सके, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं हम, और जो साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दे, ऐसा हो, जो सड़क टूटी हुई है उन्हें बनाई जाए, बस यही हमारा कहना है, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, इस बार कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप नगर में? बढ़िया चाहते हैं, उनका अच्छा करें वो सही से, और सब आम जनता ही सुना, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं, गरीब लोगों के अमीर लोगों की सभी सुना, सबकी सुने। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, और इस बार कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप नगर में? अब हम तो ये चाहते हैं कि मतलब जहीराबाद में विकास होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई ये जो रोड बनी है, अब ये रोड आप देख रहे हो कि कैसी है, यहाँ पे आम पब्लिक चल भी नहीं सकती है, और जो हमारे एक लटूर भाई हैं जो चेयरमैन सर के दावेदार हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी जोर दिया था पिछली बार, तो हमारी सड़क ये थोड़ी सी यहाँ तक है, ठीक है आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं बस अड्डे की तरफ देखें तो वो उखड़ने लग गई है जो है, तो ऐसा ना हो कि भाई चेयरमैन बस जब वोट लेने आओ जब, तो हम चेयरमैन साहब को देख रहे हैं या नगर अपना जो वार्ड मेंबर है उनको देख रहे हैं, बाकी फिर उनके दर्शन ही ना हो, तो आप ऐसा चेयरमैन चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सब कि मतलब विकास हो जहीराबाद का, ये नहीं है कि भैया नाली हैं जो बरसात के टाइम में हमने देखा था कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, मतलब पूरे घुटनों घुटनों तक जो पानी भर रहा है, नाले पूरे भरे हुए हैं। नगरपालिका का चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं इस बार आप? चेयरमैन क्या ऐसा होना चाहिए जो अपना विकास हो शहर का, अपने का अच्छा होना चाहिए, सबकी सुनने वाला होना चाहिए। अभी हमारे जो लटूर सिंह है, चौधरी लटूर सिंह, हिमाचल चौधरी लटूर, उनके हम तो समर्थक हैं, उन्हीं को हम वोट देंगे, अब क्या उन्हीं को चेताना है, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं? हाँ जी, बोल एकदम बढ़िया नेता होने चाहिए, जुझारू, जो हर एक किसी की सुनते हैं, सबकी अपने देखभाल करते हैं, ऐसा चेयरमैन। हाँ जी,
नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है और इस बार चेयरमैन का बिगुल फूट चुका है, प्रत्याशी दौड़ धूप भी कर रहे हैं, कैसा चेयरमैन चाहते हैं इस बार आप नगर? जो हमारे नगर को बढ़िया रखे, सुरक्षित रखे और हमारी कामों को बढ़िया रखे। अच्छा, जितने प्रभावी ये चेयरमैन के भावी दौड़ लग रही है, इनमें से कोई आपको रिझा रहा है? हाँ, हमारे बाबूजी हमें नेत पाठक जी। अच्छा, उनको आपको रिझा रहे हैं? हाँ जी, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं जो वो नेत पाठक जी जैसा हम करा सकें, कराते रहते हैं वो। हमारे साथ हैं एक सीनियर वोटर हैं, कई बार अपनी वोट का प्रयोग करा है और इस संभवतः इस बार वोट का प्रयोग करने का एक बार पुनः समय आ चुका है। कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप नगर में इस बार? चेयरमैन बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो ना हो जो अपने पेट भरें। ऐसा चेयरमैन चाहिए जो साफ सफाई रखे। अब शहर में चारों तरफ अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो कम से कम 4 घंटे के लिए शहर में पानी भर जाता है। ऐसा चेयरमैन सिर्फ एक नीरज पाठक है जो साफ सफाई और नालियों को फिट रखेंगे। नीरज पाठक जैसा चेयरमैन होना चाहिए, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं, क्योंकि उनके खुद पेट भरे हैं, उन्हें पेट भरने की जरूरत नहीं है, उन्हें काम करने की जरूरत है और एक बार काम का मौका मिलना चाहिए। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप इस बार नगर में? बढ़िया चेयरमैन हो साहब, अच्छे हों, सूरज भान से जैसे हों और अच्छे वो लामे, तरक्की लामे हमारे शहर की। ऐसा चेयरमैन चाहिए, ऐसा चेयरमैन चाहिए हमें। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? जी हमारे सूरज भान है जी, हमारे सुख चिंतक, जो कि हमारे अगर तनक सी कोई बात होती है तुरंत आने के लिए तैयार होते हैं। एक बार अभी एक विचार पकड़ने के लिए जो आए हैं वो बिचारे सुनते ही खनाए, ऐसे चेयरमैन साहब जरूर चाहिए। ऐसे चेयरमैन साहब, हाँ। एक हमें युवा टीम मिली है और जो जिसमें ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है हमें, युवा फैक्टर वोट में चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। इस बार नगर पालिका का चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप इस बार? पढ़ा लिखा युवा चेयरमैन चाहते हैं, जाने पहचाने अपने अंकल जी। अच्छा, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं आप? कैसा बोलो, आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? हम तो नगर के लिए अच्छे आदमी से वो चाहते हैं। ऐसा चेयरमैन चाहते हैं आप? ऐसा होना चाहिए जो ठीक ठाक काम करे और सफाई वफाई ठीक होनी चाहिए शहर की, टाइम से और कोई दिक्कत नहीं। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है, आप सीनियर वोटर हैं, कई बार आपने चेयरमैन बनाया है, इस बार फिर चेयरमैन बनाने का नंबर आया, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप नगर में इस बार? बढ़िया, जो सबका भला चाहे। अच्छा, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं बात? और विशेष ये गलत काम के जो होगा वो सजा मिले। अच्छा, जो जनता काम के लिए सब मतलब बढ़िया होने जो जनता की सुने, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। चेयरमैन चुनाव शुरू हो चुका है और आप युवा फैक्टर हैं, युवा फैक्टर बड़ी ताकत रखता है चुनाव में, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप इस बार नगर में? ये जो चेयरमैन होना चाहिए जो हमारे नगर का विकास करे, जो भी है यहाँ देख लो, हमारे यहाँ जितना भी नाले का पानी, तालाब का पानी मंदिर में आके आ चुका है। और हम चेयरमैन जो चाहते हैं वो हमारा चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ रहे, जैसे हमारे लटू भैया है, उनके पास चाहे आधी रात को पहुँच जाओ, चाहे 12 बज रहे हो, चाहे रात का वक्त हो, कितना भी टाइम हो, तो हमारे साथ खड़े रहते हैं 24 घंटा, वो चलने के लिए तैयार रहते हैं कोई भी काम हो। तो हमें जो चेयरमैन होना चाहिए वो अब लटू भैया जैसा होना चाहिए। ऐसा चेयरमैन चाहते हैं।